युवा कांग्रेस और NSUI के संयुक्त तत्वाधान में बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्र विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान यूथ कांग्रेस जनों ने शास्त्री चौक पर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। इस संबंध में यूथ कांग्रेस के छात्र नेता आलोक सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार अतिशीघ्र संविदा कानून को वापस ले तथा केंद्र सरकार जल्द से जल्द सरकारी भर्तियां पूर्ण करे और नए भर्तियों का सृजन करे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य महेंद्र मोहन उर्फ गुड्डू तिवारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष NSUI सुमित पांडे, निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष NSUI योगेश प्रताप सिंह, निवर्तमान जिला अध्यक्ष अंशुमान पाठक, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिजीत पाठक सहित अन्य कांग्रेस जन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यूथ कांग्रेस के छात्र नेता आलोक सिंह ने कहा, आलोक सिंह छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय यूथ कांग्रेस गोरखपुर। आज पूरे भारत में, जैसा कि सब लोग जानते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। इन्होंने सत्ता में आने से पहले 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, लेकिन हकीकत में 2 लाख रोजगार भी अपने पूरे कार्यकाल में नहीं दे सके हैं। इसके उपलक्ष्य में आज उनके जन्मदिवस पर हम सभी युवा नौजवान बेरोजगार छात्र बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज युवा बेरोजगार छात्र परेशान है, वह चाहता है कि किसी न किसी तरीके से रोजगार सृजन किया जाए। इस सरकार से सिर्फ और सिर्फ इतनी मांग है कि रोजगार दे।